बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का, उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन एक है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम लोग एक साथ है, कहते हुए नजर आए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या सरकार गिरने वाली है, क्या एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी होने वाली है, तो इस पर कहते हुए नजर आए कि एकजुट है हम लोग, कोई सरकार में परिवर्तन नहीं होने वाला है, महागठबंधन एक है। इसी के साथ पत्रकारों ने सवाल किया लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट कर दिया है, तो इस पर उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी पार्टी की पद पर नहीं है, उनका व्यक्तिगत भावना था, वो कुछ भी लिख सकती है, जेडीयू पार्टी रोहिणी आचार्य को नोटिस नहीं करती है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पहले आप वो सुने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिहारवासी सहित पूरे देश के वो गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ और स्वतंत्रता आंदोलन के उन वीर पुरुषों को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अनगिनत कुर्बानी का प्रतिफल है हम सभी का आज़ादी, तो आज़ादी की गरिमा को बनाए रखना हम सबों का दायित्व है। हम तो इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि तमाम लोग जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की जो धारा है उस धारा को मजबूत करते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में शामिल करने के लिए और पूरे अपने देश को भारत को जो है फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कल दिन भर सियासी हलचल मची रही, इसको क्या कहेंगे? बीजेपी टकटकी लगा के रखा हुआ है, कह रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, ये तो मीडिया के साथी को हम यही कहूंगा कि कयासबाजी करने की जरूरत नहीं है मीडिया के साथी को, ये तो बीजेपी के लोगों से पूछिएगा, बीजेपी के लीडर से पूछिएगा, नहीं बीजेपी जो कुछ बोल रही तो बीजेपी के लीडर से पूछिएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया गया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से, भी डिलीट किया गया, क्या इस तरह के ट्वीट की जरूरत थी? देखिए रोहिणी जी पार्टी के न नेता हैं और न पार्टी के कोई महत्वपूर्ण पद पर हैं और न कोई प्रवक्ता है, तो हम लोग जो है उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कोई पार्टी के कोई प्रदेश के अध्यक्ष या कोई नेता कोई बोलते हों तब कोई नोटिस हम लोग करते हैं। देखिए आप, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इसके लिए कि आप लोग कयास नहीं, अलग कयास नहीं लगाएं, स्थिर है, बिल्कुल सरकार चल रही है, गठबंधन के लोग जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जो घटक दल के लोग, हाँ इसमें तो कांग्रेस को जो रुख को घटक दल के साथ है साफ रखने की जरूरत है, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। मानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से देरी कर रहे हैं सीट बंटवारे पे, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस बड़ी दल है हमारे इंडिया गठबंधन का, उनको जो है घटक दल के साथ जो है बैठ के आत्ममंथन या खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। ये तो हम पार्टी के निर्णय हम अपनी रखेंगे ना, समझे? अभी हम इस पर पार्टी हमारे इस पर तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बताएंगे, उस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता, लेकिन अभी कोई उस पर हम लोग निर्णय नहीं लिया है उस पर कोई। सरकार पूरी तरह से स्थिर है कहते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई सरकार में परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो वही रोहिणी आचार्य को लेकर भी कहते हुए नजर आए कि रोहिणी आचार्य किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है और न ही कोई पदाधिकारी है, तो उनका जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है,
जेडीयू पार्टी रोनी आचार्य के इस ट्वीट को नोटिस नहीं लेती है कहते हुए नजर आए उमेश कुशवाहा। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।